देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। धर 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 का काप रही हो तुम? मैं तो बोलता हूँ ये जो पहली रसोई वाली जो रस्म है ना, उसे कैंसिल कर देते, खत्म कर। अरे ऐसे कैसे मोहन जी, अगर इन छोटी छोटी छींकों से परेशानियों से घर की गृहिणी परेशान होने लगे तो देश के आधे घरों में ना चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। हाँ चाहे जो हो जाए, हमारी पहली रसोई तो होकर रहेगी। ये तो बड़ी चिपकली निकली है, छोटी छोटी गोलियों से इस पर कुछ नहीं होने वाला, तो बड़ा बम फोड़ना पड़ेगा इस पर। माफ कर दीजिए कमा जी, हमसे देरी हो गई। राधा तुम ठीक हो ना? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो राधा? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता था ना कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। माँ जी वो हम, पानी ठंडा है तो तुम नहाओगी नहीं, कपड़े नहीं है तो तुम बाहर आओगी नहीं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नकली राधा मोहन त्रिवेदी की पहली रसोई कैंसिल। माँ जी माफ कर दीजिए, पर हम ना सारा काम फटाफट कर देंगे, अभी अभी शुरू कर देते। राधा तुम तो कांप रही हो, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ, तुम इतना कांप क्यों रही हो? अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तुम कर लोगी ना सब? हाँ 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 माँ जी, हम बिल्कुल ठीक, आप परेशान मत होइए, हम आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। ये देखो, घर की असली बहू मैं हूं। इसलिए पहली रसोई भी मैं ही करूंगी। दामिनी, हम पहले ही कह चुके हैं कि रीति रिवाज के हिसाब से इस घर की बहू राधा है। तो ये पहली रसोई की रस्म राधा ही करेगी। वाह वाह कद्दू दीदी, मतलब कादंबरी। अब देखो ना, तुम्हारा बेटा हमारी बिटिया को अपनी पत्नी मानता है और उसके साथ कमरे में हमारे कहने का मतलब ये है कि लो आ गया मोहन। मोहन तो इसे अपनी पत्नी मानता है। और एक तुम हो कि हमारी बिटिया को अपनी बहू नहीं मानती।
मिलके अंदर अंदर तय कर लो कि हमारी बिटिया की इस घर में क्या कीमत है। हाँ, वरना वो अपनी जिंदगी यहाँ बैठे बैठे तो ना गुजार दे। अरे मासी, ये तो तय है ना कि दामिनी मेरी बीवी है। मतलब जिस तरह माँ चाहती है कि इस घर की बहू होने के नाते राधा घर की पहली रसोई बनाए, तो मतलब दामिनी मेरी बीवी होने के नाते पहली रसोई बनाने का हक तो उसे भी होना चाहिए कि नहीं? माँ माँ, क्या बोल रहे हो मोहन? क्या बोल रहे हो तुम? माँ, चार है ना मास, देखो ना, चार बर्नर है एक गैस पर, दो वेस्ट हो जाएंगे तो दो पर राधा बना लेगी, दो पर दामिनी। माँ, आप जानती है कि मैं अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ ना माँ, तो अगर मैंने कह दिया है दामिनी से कि वो मेरी बीवी है, तो ये पहली रसोई बनाने का उसे भी मिलना चाहिए ना माँ। मतलब शादी एक और रसोई बनाएंगे तो? मोहन जी, ये तो गलत है ना। हम आपकी भियाता पत्नी हैं, तो इस हिसाब से रसोई में खाना बनाने का अधिकार भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। अरे तुम्हारे हाथ की पहली रसोई क्या, तुम्हारे हाथ का होटल भी नहीं खाऊंगा मैं, तो बस बीवी के हाथ का खाऊंगा। बना तुम कुछ अच्छा सा टेस्टी। क्या हुआ रहा था? अगर तुमने राधा को अगली बार हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छोड़ के चली गई थी। गुनगुन, देखिए, आज हमारी पहली रसोई और मोहन जी कह रहे हैं कि वो हमारे हाथ का खाना बिल्कुल खाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। इनफैक्ट हम सब खाएंगे। हाँ माँ, इसलिए तो तवे के पास खड़े हैं कि कब तुम ये पराठे को ऐसे उल्टा दो और हम सब खा ले सीधे तवे से। बनाओ ना जल्दी, क्या बना रही हो तुम? वैसे आज को स्पेशल है क्या? हाँ है ना स्पेशल गुनगुन, आज आज राधा और दामिनी दोनों हमारे लिए स्पेशल खाना बना रहे हैं। टैग टीम दोनों मिलकर, नहीं? हाँ प्लीज राधा, एक सेकेंड इधर आओ। क्या मोहन को लगता है कि मुझे पहले रसोई के बारे में कुछ आइडिया नहीं है? मुझे सब पता है, टीवी देखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एनीवे राधा, तुम ध्यान से रहना, ये दामिनी और कावेरी दादी ना बहुत ओवर स्मार्ट है, पक्का तुम्हारा खाना खराब करने का ट्राई करेंगे। जैसे कुंडली भाग्य में शर्लीन ने प्रीता के हलवे में मिर्ची डाल दी थी, मैं घर पर रहकर तुम्हारी हेल्प कर लेती, पर आज टेस्ट है मेरा, मुझे स्कूल जाना है, पर तुम इनसे अलर्ट रहना। गुनगुन, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और अभी राधा दिमाग आधा थोड़ी है हम। अब हम आपकी माँ यानी गुनगुन त्रिवेदी की माँ है। चलो राधा, मेरा टिफिन। हाँ हाँ तैयार है। वेरी नाइस। ये लीजिए और ये भी लीजिए। चलो गुनगुन, हैव अ नाइस डे, और मम्मा और पापा तुम्हें बहुत मिस करेंगे, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, हम इंतजार करेंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।
संभल के जाइए। ये क्या नौटंकी थी? अरे करनी पड़ी ना मासी, की वरना गुनगुन घर छोड़ के चली जाती। हाँ चली गई है तो अब मैं इत्मीनान से अपने धर्मपत्नी के हाथ का खाना खाऊंगा। बिल्कुल धर्मपत्नी कहा मैंने, मतलब दामिनी। दामिनी बनाओ कुछ। अरे गुनगुन आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? क्या क्या बना रही हो तुम राधा? ओह ये आलू के पराठे या मूली के? वैसे पराठे जो भी हो मैं तो सब खा जाऊंगा। तुम्हारा से आलू मूली हो या करेला सब एक जैसा ही लगता है, सो टेस्टी। क्योंकि तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। और दामिनी जीजी? दामिनी तो मेरी दोस्त है ना, मेरी बचपन की दोस्त। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है दामिनी जो है कावेरी मासी की बेटी है। कावेरी मासी और कादंबरी माँ दोनों सिस्टर्स हैं। तो नहीं है गुनगुन यहाँ मोहन। अच्छा खासा मजाक बनाकर रख दिया दोनों ने। माँ मजाक तो मेरी लाइफ का बन चुका है, यहाँ पर व्रत चल रहा है मेरा, किसी के हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। पहली रसोई हो या आखिरी? अरे रहने दो। अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे रहने दो, खाएगा बेटा खाएगा खाएगा। देख बिटिया तू तो ऐसा खाना बना कि मोहन अपने सपने में भी सिर्फ तुझे ही ऐसे पूरियां तलते हुए देखे, समझ गई? इस ढाई फुट टूडल को नहीं बना 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 हा? खाएगा चाहे कितने भी कोशिश कर लो राधा, लेकिन मोहन तुम्हारे हाथ के खाने का इतने वाला भी नहीं लेगा। निवाला ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी थाली खा जाएंगे मोहन जी, देख लेना। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप तो बहुत कुछ होने नहीं देना चाहती दामिनी चीची, पर कुछ कर पाती तो है नहीं। आज जैसे मोहन जी ने हमें अपनी पत्नी कहा, बिल्कुल वैसे मोहन जी हमारे हाथ का बना हुआ खाना भी खा जाएंगे। आप तो बस देखती जाइए। देखते हैं। अरे बेटा हमारी बात का यकीन करो, तभी तो करो हमारी बात का यकीन। वो काली कोट वाले इंसान को देख के लग रहा था कि पक्का यमदूत हमें यहाँ नीचे से लेने आए हैं। सच कह रहे हैं, इतना बड़ा चाकू हमारी गर्दन पर रख दिया था उसने। अरे मासी कोई कुछ लेने नहीं आया है, दरवाजा बंद है, कोई अंदर कैसे घुस जाएगा, सपना देखा होगा आपने। हाँ? टेंशन ले रही हो आप। वैसे हाँ हो सकता है हमने सपना ही देखा होगा, हमारी बिटिया दामिनी भी वही कह रही थी। मासी आप डर क्यों रही हैं, आप चिल कीजिए ना मुझे। आओ क्या मतलब ये सर्दी में सुबह सुबह तुम कसरत क्यों कर रहे हो बेटा? अरे वो कमर में ना मोच आ गई, इसलिए स्ट्रेच करके खोल रहा है उसे। ओहो, ऐसा तो हमारी बिटिया ने क्या कर दिया रात को कि तुम्हारी कमर में मोच आ गई। मासी क्या बोले जा रही है आप, छोड़िए ना ये सब। अरे अरे शर्माओ मत बेटा, अब तुम कोई ऐसा अनोखा तो नहीं कर रहे हो जो हमने ना किया हो। हा? अरे बोलो बोलो। देखो देखो तजुर्बे से हम कह रहे हैं कि ये जो कसरत है ना
वो तुम शाम को ही कर लिया करो तो दूसरे दिन कमर में दर्द नहीं होगा। मासी आप बतियाना बंद करेंगी प्लीज यार। अरे सुनना मिठा। अरे मासी आप साथ में ना रात को बादाम वाला दूध भी पी लिया करो, एनर्जी बनी रहती है, शक्ति वर्धक होता है। अरे आप सुबह सुबह तुलसी के झाड़ को पानी दे दो, सूरज को पानी दे दो, इधर उधर क्या पानी फैला रही हो आप। हमारे दामाद के चेहरे की खुशी देख के तो लग रहा है कि हमारी बिटिया के साथ रात तो अच्छी गुजरी है। राधा अब तेरा पत्ता तो कट। आखिर हमारी बिटिया ने बाजी मार ही ली। रामिनी जी से कह तो दिया हमने कि मोहन जी को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, पर ये बात तो हम भी जानते हैं कि मोहन जी हमारे हाथ से खाना खाना तो दूर, हमारे खाने की तरफ मुड़ कर देखेंगे भी नहीं। हाँ राधा, ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ मोहन कितना जिद्दी है। क्या हुआ राधा? तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई है। लगता है कि अब तुम्हें भी समझ आ गया है कि मोहन तुम्हारी खीर की तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ हो सकता है कि माँ थोड़ा सा चख ले। नामिनी जी, जब गृहिणी खाना बनाती है तब आपको पता है सबसे पहले वो कौन सी चीज का तड़का लगाती है? प्रेम का। और प्रेम को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ना। लगता है तुम्हारे प्रेम के तड़के पड़ना मेरा पास्ता भारी पड़ने वाला है। वैसे भी इस घर में ना सबको मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद आता है।
रहे हैं। उस दिन चाबी का गुच्छा लेकर तुम जीत गए, पर आज मैं जीतूंगी। राधा, हर बार तुम नहीं जीत सकती, बस तुम देखती जाओ। इस बार मैं चैलेंज भी जीतूंगी और चाबियां भी हासिल करूंगी।